हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का जेईई मेन का कुछ। देखो बेटा, क्वेश्चन है 4 पर्सन कैन हिट अ टारगेट करेक्टली विद प्रोबेबिलिटीज 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/8। बेटा आपको प्रोबेबिलिटीज पता है 4 पर्सन की 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/8 रिस्पेक्टिवली पता है बेटा प्रोबेबिलिटीज। इफ ऑल हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली, बेटा अगर इंडिपेंडेंटली सारे टारगेट हिट करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट। बेटा हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की, हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखो बेटा अगर मैं 4 पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ज़ूम करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है सेकंड पर्सन की 1/3, बेटा थर्ड पर्सन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 1/4, फोर्थ पर्सन की बेटा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 1/8। बेटा अगर मैं नॉट किसी टर्म की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बेटा हमें गिवन है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट फाइंड आउट, बेटा आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 मींस बेटा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करनी है। देन दिस टर्म 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो वो कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी, ये मतलब नॉट। देखो बेटा इस टर्म के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट फाइंड आउट, ए नॉट बेटा ये टर्म आ जाएगी आपके पास 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे ये टर्म आपके पास 1/2। सिमिलरली बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट बेटा 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 में से बेटा इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो बेटा 1 माइनस 1/3, बेटा ये आपके पास बन जाएगी टर्म 2/3, 2/3 बेटा 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट, सी नॉट बेटा प्रोबेबिलिटी, बेटा अगेन 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 मीन्स बेटा 1 माइनस 1/4 करोगे, बेटा दिस टर्म इज 3/4, एलसीएम लगाओगे सी नॉट इज बेटा 3/4। एंड सिमिलरली बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी नॉट आपके पास 1 माइनस 1/8 मींस बेटा 7/8। बेटा ये आपके पास कुछ प्रोबेबिलिटीज आ गई। नाउ बेटा इंडिपेंडेंट है मतलब इंटरसेक्शन टर्म आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म, मींस बेटा इंडिपेंडेंट मींस, इंडिपेंडेंट मींस बेटा आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी means probability of A into probability of B हो जाएगी। Now बेटा क्वेश्चन है then the probability that the target would be hit, target आपका hit हो जाएगा, बेटा target hit हो जाएगा मतलब probability of hit, बेटा यहाँ पे लिखता हूँ probability of target hit, बेटा आपको find out करना है। इसमें बेटा बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, सारे केसेस करने के जगह पे बेटर है बेटा लिखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट नॉट। बेटा टारगेट नॉट हिट किस केस में होगा कि अगर कोई भी पर्सन आपका टारगेट हिट नहीं कर पाएगा, मींस बेटा ए भी टारगेट हिट ना कर पाए, बी भी टारगेट हिट ना कर पाए। 1 माइनस ए नॉट एंड बी नॉट एंड सी नॉट एंड डी नॉट, मतलब चारों पर्सन बेटा टारगेट हिट नहीं कर पाएंगे, इट मींस वो टारगेट बेटा इसे आप सेपरेटली लिख पाओगे। दिस टर्म इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बेटा मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट फाइंड आउट किया, बेटा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, बी नॉट, बी नॉट मींस बेटा 2/3, सी नॉट, सी नॉट मींस बेटा 3/4, डी नॉट मींस बेटा 7/8। बेटा जो कैंसिल हो जाए टर्म वो कैंसिल करो, 2, 2, 3, 3 कैंसिल बेटा, बेटा जो रिमेनिंग टर्म आपके पास दिखाई देगी, बेटा रिमेनिंग टर्म आ जाएगी आपके पास 1 माइनस 7/32। बेटा आप इसका एलसीएम चूज करोगे 32, ऊपर टर्म बन जाएगी बेटा 32 माइनस 7 आपके पास टर्म बन जाएगी बेटा 25/32, बेटा आप फाइनल आंसर 25/32 बेटा आपका फाइनल आंसर है। मींस बेटा बी ऑप्शन, ऑप्शन बी ही बेटा आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू।